हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मराठी का जो क्लास 7th का मराठी है उसका दूसरे लेसन का क्वेश्चन आंसर, जो दूसरा पार्ट है आप लोगों का श्यामचे बंधु प्रेम, इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग बहुत इजीली आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग के पास डाइजेस्ट नहीं रहता, आप लोग क्वेश्चन लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को याद कर लो अच्छी तरीके से आप लोग, क्योंकि पेपर नियर बाई आ जाएगा, क्योंकि स्कूल जब आप लोग का 15 से खुल जाएगा तो उसके बाद अंदर स्टूडो सब पढ़ाएंगे स्कूल वाले, और अंदर स्टूडो आप लोग का होएगा पेपर। तो देखोगे इस साइड में आप लोग को लिखा गया अच्छी तरीके से, क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को पूरा दिखाता हूँ, ये सब उसका मीनिंग है उस चैप्टर का। तो इधर से आप लोग देखोगे वाक्य प्रचार हुआ, उसके नीचे देखोगे ये जो स्टार मार्कर रहता है, ध्यान से देखोगे स्टार मार्कर जो रहता है वही आप लोग को एक्सरसाइज से क्वेश्चन रहता है। तो सिंपल से आप लोग क्या करना है, इसमें जो आप लोग क्वेश्चन आंसर है 5 दिए है, पांचों क्या करना है अच्छी तरीके से लर्न करना, वन सेंटेंस का है, पुढ़ील प्रश्नाची एक दोन वाक्याते उत्तर लिहा, मतलब एक वाक्य में मतलब दो तीन सेंटेंस में क्या लिखना है आप लोग उत्तर लिखना है, इस तरीके से दिया है। उसके नीचे आप जाओगे तो इसमें जो स्टार मार्कर रहता है वही क्वेश्चन आप लोग के बुक का रहता है, टेक्स्ट बुक का। देखोगे इधर दिया गया है क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, पुढ़ील उतारा पाठ्य पुस्तकातून वाचून द्या त्या खालील कृति करा, मतलब इसे आकृति पूर्ण करने के लिए आप लोगों को बोला गया है। तो इसमें एक पहला दो दिया है, इसमें से आप लोगों सिर्फ एक है पहला वाला, तो उसके नीचे आप लोग देखोगे और इसका उत्तर जो है यहाँ पे दिया है, ये वाला पहला जो है इसका उत्तर जो ऊपर वाला था तो यहाँ पे इसका उत्तर था। उसके ऊपर आप लोग और जाओगे तो सिंपल सा प्रश्न जो तीसरा है आकृति पूर्ण करा, इसका भी आकृति आप लोग क्या करना है पूरा करना है, इसमें लिखना है। तो नीचे उत्तर दिया गया आप लोग इसको भी अच्छी तरीके से कर लो। और कात्य लिया प्रश्न चौथा है राइट वे, मतलब सिंपल सा हुआ है, इस तरीके से चार क्वेश्चन दिया है, चारों आप लोग कात्य लिया लिखना है, ये आप लोगों से पीछे का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट ये क्या है आप लोग का क्वेश्चन पीछे का है। उसके बाद और नीचे जाओगे आप लोग देखोगे व्याकरण में, व्याकरण मतलब ग्रामर का रहता है, उसको भाषा अभ्यास भी बोलते हैं। और इसमें देखो प्रश्न पहला दिया है आप लोग, इसमें क्या लिखना है इसमें देखो विरुद्धार्थी है, विरुद्धार्थांचे शब्द चौखटी तून शोधन लिया, मतलब एक चौखट बॉक्स जो बना उसी में से आप लोग क्या करना है ढूंढ के लिखना है उसका आंसर। इसमें देखोगे ठंड दिया है, ठंड का क्या होता है इसमें गर्म दिया, उसका अपोजिट होता है। उसके नीचे आप लोग देखोगे प्रश्न दूसरा एक ग्रामर का है, ग्रामर में भी आप लोग आना चाहिए। उसके बाद आप लोग देखोगे इसमें लिखा गया तो शब्द घटा तो का बसल नाही ते सांगा, मतलब इसमें से तीन चार दिया, चार में से कौन सा इसमें बैठ नहीं रहा, मतलब चारों में से कौन सा इसके अंदर वो चीज इंक्लूड नहीं हो रहा, तो उसको साइड में आप लोग कर दोगे उसका वही उत्तर रहेगा, इस तरीके से उसका स्पष्टीकरण रीजन भी दिया है। उसके नीचे और जाओगे तो एक वचन दिया, ये सब आप लोग का नहीं है। अब नीचे और जाओगे तो सिंपल सा एक आप लोग दिखेगा इसमें ये वाला, इसमें क्या करना अव्यय क्रिया विशेषण अव्यंचा प्रकार से प्रकारानुसार चौखटी वर्गीकरण कर, मतलब सिंपल से इतना दिया गया ऊपर आप लोग इसमें से आप लोग क्रिया विशेष अव्यय क्या करना है पहचानना है, कौन सा रीतिवाचक है स्थलवाचक वाचक है कि कालवाचक है कौन सा है, ये आप लोगों को पहचान के लिखना रहेगा। इस तरीके से आप लोगों को पूरा बता दिया, अगर इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को, इसी तरीके से नॉलेज वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू ऑल फ्रेंड, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना जिससे और लोगों को हेल्प हो सके।